अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से तो व्यूवर्स आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ मिनी फेशियल किट का रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसके अलावा घर पे करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जो लोग पार्लर नहीं जाके करवा सकते, वो लोग घर पे करना चाहते हैं, तो ये घर पे आप लोग इजीली कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बहुत ही कम प्राइस में, सिर्फ एक बार नहीं आप लोग कितनी दफ़ा कर सकते हैं, तो 10 to 20 टाइम से भी अबव अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। प्राइस सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, इसके रिव्यू सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, और एक साल का रिव्यू जो एक साल का अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि फेशियल किट या स्किन पॉलिश के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है। अगर आप स्किन पॉलिश करना चाहते हैं तो आप स्किन पॉलिश भी सिर्फ कर सकते हैं, अगर आप फेशियल नहीं करना चाहते। इसके अलावा इसमें आप लोगों को कंप्लीट रेंज है इस किट में मिल रही है। ये किट मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है पूरी किट। और ये पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये इसकी ब्लीच है और इसका पाउडर और क्रीम जो है ये है। और उसके बाद जो है ये इन्होंने जो इसके फेस मास्क, क्ले मास्क और दिया हुआ है, और फेस स्क्रब दिया हुआ है, तो ये है। और इसके अलावा जो है इसको इसमें जो है इन्होंने हैंड एंड फीट वाइटनिंग जो है वो भी दिया। एक चम्मच जो है आपने ये क्रीम ले लेनी है, और हाफ चम्मच जो है वो आपने ये पाउडर का लेना है। पाउडर कभी भी पूरा कंप्लीट जो है इसके बराबर नहीं लेते। तो लेने के बाद आपने इसमें डाल देना है डबल एक्शन क्लींजर, ठीक है, एक चम्मच आपने ये डाल देना है। आपने पहले क्लींजर अपने फेस पे नहीं यूज़ करना, आपने इसको एक चम्मच जो है अपने ब्लीच क्रीम में ऐड करने के बाद अप्लाई करना है। और आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे सिर्फ आपको ये ब्लीच ही अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये अप्लाई करने अगर आप कर लेते हैं तो आपकी स्किन पॉलिश है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाती है। और ऑफिशियल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसके बाद जो है आपने करना है कि स्क्रब जो है वो यूज़ करना है। इसको स्क्रब को आपने यूज़ करना है, इसको अप्लाई करना है अपने फेस को, और आपने स्टेप बाय स्टेप जो स्क्रबिंग करते हैं वो करनी है। और इसकी अंदर से जो मैं थिकनेसी है वो भी आपको दिखा दूँगी, और ये अंदर से किस तरह की है डिब्बियों में डिवेलपर्स, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और उसके अलावा फिर आपने जब आपके ये टू स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, थ्री स्टेप्स, तो फिर आपने इसके बाद जो है फोर्थ स्टेप पे ये करना है कि आपने अपना फेस जब स्क्रब करने के बाद वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद फिर आपने इसमें अपने फेस के ऊपर क्ले मास्क को अप्लाई करना है, और इसको 5 मिनट जो है वो लगे रहने देना है। इतने मिनट में ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे रहने देंगे तो इसके ज़्यादा जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने इसको लगा के छोड़ देना है, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तब आपने अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने अपने फेस के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी जब आप ये क्ले मास्क अप्लाई करेंगे, फिर ही आपको जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसके बाद आप लोगों को देखिएगा आपके फेस पे एक ऐसी डिफरेंट जो शाइन होती है ना वो आएगी। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया कि हैंड एंड फीट फूड फेशियल की जो है इन्होंने ये भी डिब्बी दी होती है, ये देख लें इन्होंने लिखा होता है। और इसके अलावा जो है इसको आप अपने फुट पे लगा सकते हैं और अपने हाथों पे, इसकी आपने अच्छे से स्क्रबिंग करके, और स्क्रबिंग करने के बाद आपने कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए आपने लगे रहने देना है, और फिर उसके बाद आपने वॉश करने हैं अपने हैंड एंड फिट को। उससे पहले आप लोगों ने वॉश नहीं करना। तो अगर आप खाली अगर आप लोग सिर्फ मैनीक्योर और पेडीक्योर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग ब्लीच कीजिए, ब्लीच करने के बाद अपने हैंड एंड फीट पे ब्लीच कीजिए और ये अप्लाई करिए, आपका ऑलमोस्ट मैनीक्योर पेडीक्योर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। सो अभी मैं आप लोगों को इसकी कंपनी का नाम बताऊं, तो कंपनी का नाम जो है इसका है वाइटनेस, इसकी कंपनी का नाम है,
ठीक है। और ये आप लोगों को मार्केट में किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस जो है वो कंप्लीट नहीं देखते, और उन लोगों के मुझे कमेंट सेक्शन में यही आते हैं कि कितने की है ये, इसकी आप प्राइस बता दें और इसके अलावा ये कहाँ से मिलेगी। तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ शेयर करती हूँ कि ये कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी प्राइस क्या है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो जो है वो एंड तक लास्ट में वॉच किया करें। इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 550 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। ये आप लोगों के एक बार के फेशियल की भी प्राइस नहीं है जितनी इस पूरी किट की है। अगर आप पार्लर जाते हैं तो आपके 800 to 1000 जो है वो आपके फेशियल के ले लेते हैं, और अगर आप ये मिनी फेशियल किट लेते हैं और इसमें मैनिक्योर भी शामिल है, आप लोगों को सिर्फ 550 में आप इसको बाय करते हैं, और आप इसको 10 to 15 टाइम इजीली यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। और अगर आपकी ब्लीच क्रीम खत्म भी हो जाती है तो आप कोई और ब्लीच यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। और अच्छा चले, मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ क्लींजर, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं यूज कर रही हूँ और इसी किट का मैं न्यू ला के आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने खुद यूज किया है, और यूज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैं अभी आप लोगों को अपने हैंड पे अप्लाई करके बता देती हूँ। ये देखें, इसका जो क्लेंजर है ना वो इस किस्म का होता है ऐसे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थिक होती है, अभी मैंने वाटर जो है वो नहीं लिया तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा थिक है। आपने थोड़ा सा आपका फेस जब आप वॉश करके अप्लाई करेंगे थोड़ा सा गीला होगा तो ये अच्छे से आपके फेस पे लगेगा, ठीक है। ये इसका क्लेंजर हो गया। अच्छा जी, क्लींजर के बाद जो है मैं अब आपको स्क्रब जो है वो दिखा देती हूँ। इसका जो स्क्रब है वो देखें, ये व्हाइट कलर का होता है और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, और इसको आपने फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फेस वॉश कौन सा अच्छा है, तो मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर आपको किसी फेस वॉश के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप क्लींजर जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये किट बाय करते हैं तो आप इसका क्लींजर जो है वो डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके बाद जो है व्हाइटनिंग स्क्रब के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्ले मास्क। क्ले मास्क जो है ये व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, जब इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा व्हाइट, कोई व्हाइट चीज जो है ना वो चौक टाइप हो, और उस पाउडर को आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो ये देखें, आप लोग इनकी क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी कम हुई हुई, और मैं इसको यूज करती हूँ। मैंने आप लोगों से बताया ना कि इसके रिजल्ट जो है ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपनी वीडियो में आप सब लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं यूज करती हूँ। और इसके बाद हैंड एंड फीट की जो है वो मैं आप लोगों को फेशियल स्क्रब दिखा देती हूँ। हैंड एंड फीट का ये देखें, इसका टेक्सचर इस तरह का है, इसमें छोटे छोटे से ना पार्टिकल्स होते हैं, और जब आप इसकी स्क्रबिंग करते हैं ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होने लगते हैं, आपकी स्किन में ऑब्जर्व होते हैं, और बहुत ही जबरदस्त है ये स्क्रबिंग आपके हैंड एंड फीट के लिए। आप इसको डेली बेसिस पे भी अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद ये किट जो है वो लास्ट में बाय कीजिएगा, और कॉस्मेटिक शॉप से, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप फेशियल में चाहते हैं कि आपको इंस्टेंटली इतना ज़्यादा ग्लो चाहिए, किसी की शादी है और स्पेशली अगर कोई ब्राइडल है वो करना चाहती है, तो उसको चाहिए कि इसमें वाइटनिंग का कैप्सूल जो है वो शामिल कर सकती है, जो कि मैंने अपनी आर्ची पल की कैप्सूल की वीडियो में मैंने सारा उसका रिव्यू शेयर किया। आर्ची पल का जो कैप्सूल है वो एक आप जो है इसमें शामिल करके यूज कर सकते हैं ब्लीच में, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा समझ आ गई होगी इस वीडियो को, जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने इसको शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो बस इतनी सी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में शेयर कीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और फेशियल किट के बारे में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।